हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भोले बाबा बैठे हैं और बढ़िया मथुरा के पेड़ों का प्रसाद उनको लगाया है मैंने, और घर की व्यवस्था थोड़ी सी हिली हुई है वापस आने के बाद। जो भी चैनल में न्यू है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चावल है, रोटी है, दाल है, आज बनाया है निमोना मटर पीस के, आलू के पराठे सवेरे नाश्ते में बना लिए थे जो खा के ख़त्म हो गए। और ये देखो यहाँ पे क्या हालत है, देखो ज़रा, घूम के आने के बाद ये कपड़े धो धो के यहाँ पे देखो कैसे लगाए हैं। अभी इसमें डालूँगी जो वुलन क्लोथ्स हैं वो डाल दूँगी, सब रख दूँगी। अभी लॉन्ड्री बैग में इतने कपड़े पड़े हैं ग्राउंड धोने वाले, कल से जब से आई हूँ तब से कपड़े ही धो रही हूँ। घूमने जाओ लेकिन सोच समझ के जाओ, उसके बाद आने के बाद जो काम पड़ेगा आपको ना, क्या होता है। तो चलो कपड़े वपड़े रखती हूँ उठा के। शाम को 6 बजे इनको इतनी जोर से भूख लगी कि मुझे बेफर ऑर्डर करके मंगाना पड़ा इन लोगों के लिए। देखो मैंने नहीं बेबी वाला, इनकी भूख जरा सी सब्र नहीं कर रही थी, फिर मैंने चढ़ा दी यहाँ पे साइड में मैगी, तो बन रही है अभी, ओवन में लगी हुई है। और फिर मैंने ब्लिंकिट से फटाफट चीज़ मंगा लिया, क्योंकि चीज़ नहीं था तो बिना चीज़ के बच्चों को मैगी अच्छी नहीं लगती। तो फिर अभी बस ऑलमोस्ट देखते हैं कितनी डन है। हाँ हो तो गई है, चलो तो इसमें डाल देते हैं चीज़। तो मैं इसमें टोटल 2 स्लाइस डालने वाली हूँ, 4 मैगी और डाली है ना इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको ना ओवन में 1-2 मिनट के लिए और रखूँगी ताकि चीज़ जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद ये बाद में डालूँगी मैगी मसाला, और मेरे पास एक पड़ा हुआ। छोड़ दो, तो ये हो गई है मैगी रेडी, और अब खाएगा मृगांक जो है भूखा इतने जोर से। तैयार व्यार हो के मेला, तुम मेला मेला जा रहे हो? हाँ। तो हमारे ना बिल्डिंग के सामने ही एक मेला लगा है, और इन बच्चों ने जीना दुश्वार कर दिया। मैंने नहीं किया, इसने किया, पहली बार इसने किया, ये लड़की ने। मेरे को कोई शौक भी नहीं है मेला जाने का। हाँ तो इसको मेला जाना है तो इसलिए हम लोग मेला जा रहे हैं। अब देखो मैं तो कभी गई नहीं हूँ, अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्या है देखते हैं। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ये भी फर्स्ट टाइम। तो ये देखो, ये हमारे घर के बाहर मेला लगा है, ये देखो समृद्धि ये रही, और ये है मेला। क्या मेला है मुझे मालूम नहीं, कि बच्चों को एक्साइटमेंट है कि मेला है ऐसे ही कुछ, तो दुकानें उकाने लगी, इसको एक्साइटमेंट हो रही है ना, ऐसे ही दुकान उकान लगी है यहाँ पे, बुक मिल रही है। आ यहाँ पे चलो, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलो, वहाँ पे बुक मिल रही है, बुक लेना है तुमको। सब सामान मिल रहा है ऐसा कुछ, तो फेयर लगा हुआ है, प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये है वो है, बुक बुक है। पढ़ाई करती है जो बुक लोगी, उस तरफ है। रुको पिग्गी बैंक देखने दो भैया के लिए, पिग्गी बैंक नहीं है क्या? हाँ पिग्गी बैंक ही है, देखो कंपोज बॉक्स है। हाँ हाँ चीप क्वालिटी का, क्या पता नहीं क्या मिल रहा है, क्यों बच्चों को यहाँ पे आना, एकदम सस्ता माल है इधर पे। नो
चलो बुक बुक देखते हैं बेबू, बुक बुक पढ़ाई करने वाला सामान देखो। भैया जा रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है बुक्स बेबू। इधर से आना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास बुक थी ना। हाँ है, अभी भी है। चलो बेबू तुम्हारे लिए बुक देखेंगे वहाँ से। इसमें से बाद में ले लो। चलो सुंदर बुक है। वाओ, ये सब लुप्त हो गया है, मेरी बचपन की यादें। कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। कितनी प्यारी प्यारी बुक्स हैं यहाँ पर। कौन सी बुक देखते हैं? ये देखो, दिखा। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है ये जार हैं, और देखो ये कितना प्यारा कप है। एक्चुअली मैं ये प्लांटिंग के लिए रख दो एलिफेंट, कितना प्यारा सा। देखो धीरे से रखना, टच मत करो, कोई देखेगा तो डांट पड़ेगी। कितने प्यारे प्यारे रखे हो जी, कितने कितने प्यारे प्यारे। अरे ये देखो, ए वाओ कितना प्यारा सा एलिफेंट है। छोटू सा है, छोटू सी बेबू की तरह छोटू सा एलिफेंट है ना बेबू। ओह बेबू तो कितनी एक्साइटेड है। देखो कपड़े की दुकान, अरे देखो कितना छोटा सा है। ये देखो कितना छोटा छोटा सा है खटिया। ये देखो अरे ये तो उससे भी ज्यादा छोटा है। नहीं नहीं उससे भी छोटा है। तो यहाँ पे काफी वुडन का है, देखो कितने अच्छे अच्छे वास रखे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। देखो वाओ, मम्मी ये तो दिखाओ। हाँ गाड़ी, ये रोटी रख मेरे ख्याल से नमक पारे बनाने वाले हैं। स्पैचुला है, ये अगरबत्ती स्टैंड है। भैया ये बास कैसे हैं? ये देखो ये कूटने वाला कितना प्यारा है। ये है ना चाय वाय रखने के लिए, ये क्या चीज़ है। कप है, मग है। अरे वाह, वाओ, ये देखो। ये रोटी बनाने वाला, देखो ऐसे ऐसे। मम्मी देखो गाड़ी। ये गाड़ी है? गाड़ी। मसालदानी है। और ये देखो, ये देखो। वो देखो वो चेस है। क्या? उरे। चेस बोर्ड है। ये ले क्या? नहीं मत लो, बढ़िया है ये। ओ ये देखो। रख दो बेबू, नहीं टच करो। ये देखो ये गन दिखाई जा रही है। असली है? नकली है? ये चलती है, इसमें ट्रिगर ही नहीं है, खाली डिजाइन है। डिजाइन है, अच्छा शो पीस है, शो पीस है। बहुत ऊंचा है, तो इतना ऊंचा तो हमारे फिट को भी ना हो।
का झूला है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ जय भोले बाबा दीन दयाल विरज संभारी हर हरहुनाथ मम संकटवारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए कितनी ऊंचाई पे हम आके रुके हैं और मेरी बिल्डिंग की P3 की सजावट ये देखिए किस तरीके से जगमगा रही है। बिल्कुल दिवाली में जैसा सजाया था क्रिसमस में और अपना न्यू ईयर में भी उसी तरीके की सजावट दिखाई दी गई है। ये देखिए चमचम चमचम हो रहा है। वो मेरा P3 का जो स्विमिंग पूल वाला एरिया है वो है। पार्कौर करते करते यहाँ से यहाँ कूद के चला जाता नीचे। ओम नमः शिवाय भोले बाबा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। आँख बंद करके बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आँख बंद। मुझे मामा मजा लेना है। ओवर एक्टिंग मत करो, तुमको नहीं जमता तो मत बैठा करो। मामा लग रहा है मैं नीचे गिर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भोले बाबा दीन दयाल। ऐसा कितनी देर के लिए दो राउंड मारते होंगे, तीन राउंड से ज्यादा नहीं मारते होंगे। तो कितना मार देंगे? पांच छह राउंड। पकड़ के बैठो दोनों हाथ से अच्छे से। ओम नमः शिवाय भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस बना के बैठो। डरो नहीं, दोनों तुमको डर नहीं लग रहा? मेरे को पेट में गुदी गुदी होती है ऐसे। इतनी पेट में गुदी गुदी है।
इसमें भी एक्चुअली मुझे बैठना था, बट मैं उसमें ऊपर वाले में बैठ के इतना डर चुकी थी कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसमें भी बैठूं। बट यार जो भी बोलो, मैं उसमें ऊपर बैठी तो थी, बट जब तक मैं आंख बंद करके बैठी थी ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बट एक बार मैंने जब आंखें खोली ना अपनी, तो मुझे इतना डर नहीं लगा। एक्चुअली ना ये हमारे ना दिमाग में होता है डर, अगर हम मतलब एकदम हिम्मत से बैठेंगे ना तो डर वर नहीं लगेगा। मैं तो ऐसा लड़ गई थी, थंडर में बैठी थी। हमारे P3 से देखो झूला, देखो देखो जैसा दिवाली में सजाया था वैसा क्रिसमस न्यू ईयर में भी सजा दिया है। बड़ा सुंदर लग रहा है, सभी गेट के बाहर भी लगाया है, हर विंग के गेट के बाहर लगाया है, हर विंग के गेट पे थोड़ा थोड़ा ऐसा लाइटिंग कर दिया है। तो ये देखो कुछ ऐसा डेकोरेशन किया है, क्या आ रहा है, हैं? ये तो कोई एडवर्टाइजमेंट है शायद से, ये क्रिसमस के हिसाब से सजाया था। देखो लाइट्स वगैरह की है, अच्छा लग रहा है। वहाँ पे देखो सजाया, ये देखो यहाँ पे ना क्रिसमस डेकोरेशन किया है, बड़ा सुंदर सजाया है। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।